29 अप्रैल 2022 समय दिन के 12:21 होता है। एक कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही होती है, सामने वकील साहब बैठे हुए हैं, इधर तमाम तरह के पुलिसकर्मी वहां पर हैं, तमाम तरह की सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी तरह की वहां पर मीडिया होती है और बाहर कोर्ट के लोगों का जमावड़ा जमा हुआ होता है। सभी इसी इंतजार में होते हैं कि जज साहब आज क्या फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब फैसला सुनाने से पहले एक लाइन पढ़ते हैं और उस लाइन को पढ़ते पढ़ते जज साहब भी भावुक हो जाते हैं। जज साहब पढ़ते हैं, सब वस्त्र तार तार थे, तमिल पोर पोर था, रेप था कि प्रलय था, जिसने देखी दशा दर्ग में बदली छाई, घनीभूत होकर यह पीड़ा बरसने आई। यह सब पढ़कर जज साहब की आंखें भी नम हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि ऐसे दरिंदे इस जहां में कैसे पैदा हो जाते हैं। और जज साहब फिर अपना फैसला सुनाते हैं तो बताते हैं कि इन दोनों लोगों को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए तब तक इनकी जान नहीं निकल जाए। तो दोस्तों, ऐसा क्या केस था जिसमें जज साहब दो लोगों को फांसी की सजा सुना देता है, आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बूंदी की है। यहां पर बसोली थाना क्षेत्र की ये घटना है। 23 दिसंबर 2021 को एक लड़की अपने घर से खेतों की तरफ अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाती है। वो घर से जाती तो है लेकिन घर वापस लौट कर नहीं आती। इधर जो उसकी माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, अड़ोस पड़ोस में जाती है और अड़ोसी पड़ोसियों से कहती है कि मेरी बेटी घर वापस नहीं आई है, क्या आप लोग मेरी मदद करोगे मेरी बेटी को ढूंढवाने में। तो अड़ोसी पड़ोसी भी तैयार हो जाते हैं और लड़की को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही लड़की को ढूंढते ढूंढते वो जंगल की तरफ पहुंचते हैं तो तब तक उन्हें शाम का समय हो जाता है, थोड़ा अंधेरा छाने लगता है और जैसे ही थोड़ी आगे की तरफ जाकर देखते हैं तो एक लड़की जो निवस्त्र, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, वो इस हालत में पड़ी हुई है, जिसे देखकर पूरा का पूरा गाँव एकदम सन्न रह जाता है। माँ रोने लगती है, अड़ोसी पड़ोसियों की आँखें भी नम हो जाती हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो वहाँ के SHO हैं राम गिलास, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी टीम को लेकर। राम गिलास जब ये वाक्या देखते हैं तो उनकी आँखें भी भर आती हैं। लड़की को देखकर वो भी एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं और तुरंत ही अपने IPS ऑफिसर जो वहाँ के होते हैं जय यादव, उनको फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि साहब यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हुआ है, एक लड़की के साथ में बहुत बड़ा यहाँ पर क्राइम किया गया है, मैं इस केस को नहीं संभाल सकता, कृपया करके आप ही यहाँ पर आ जाइए। फिर IPS ऑफिसर जय यादव अपनी ऑफिस से चलते हैं और उसी जंगल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें 1.5 घंटे का समय लग जाता है। रात को 9:30 बज जाते हैं और जैसे ही IPS ऑफिसर उस लड़की की तरफ देखते हैं टॉर्च लगाकर तो उन्हें देखने में लगता है कि उसके शरीर पर किसी ने दांतों से काटा हुआ है। इंसान को देखते हैं तो वो यही समझ जाते हैं कि इसे काटने वाला कोई जानवर नहीं, इंसान ही है, इंसानों ने इसको काटा है। फिर उस डेड बॉडी को उठाकर वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस हरकत में आ जाती है, जिले के 18 थानों में से 10 थानों के SHO को वहां पर बुलाया जाता है, 200 पुलिसकर्मियों को बुलाया जाता है, और DSP को बुलाया जाता है। टीम इकट्ठी करके पूरी की पूरी टीम रात भर उसकी छानबीन में लग जाती है और जैसे ही छानबीन करते हैं तो थोड़ी आगे जाकर देखते हैं एक चप्पल उन्हें जंगल में मिलती है और चप्पल के मिलने से उन्हें कोई खुलासा नहीं हो पाता, क्योंकि वो चप्पल भी उसी लड़की की होती है जिसकी उम्र मात्र 15 साल होती है। दोस्तों, फिर आगे और छानबीन में लग जाते हैं पूरी की पूरी टीम, पूरी रात भर टॉर्च लेकर जंगल की खाक छानने में लग जाती है और जैसे ही थोड़ी आगे और जाया जाता है तो एक अंडरबियर उन्हें मिलता है। अब अंडरबियर से कैसे खुलासा हो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। अंडरबियर को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और इधर जो डॉग टीम होती है, डॉग स्क्वाड की टीम, उसको भी बुलाया जाता है और जिसमें जो शाहीन डॉग है, जो भारत का बहुत ही अच्छा डॉग है, उसको भी बुलाया जाता है और शाहीन डॉग उस अंडरबियर को सूंघता है। उसके बाद फिर गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है कि इसमें 23 दिसंबर को कौन कौन लोग यहां पर देखे गए हैं, तो उनमें 12 लोग उस जंगल की तरफ जाते हुए देखे गए हैं। 12 लोगों को बुलाया जाता है। जब 12 लोगों की जाँच पड़ताल चल रही होती है तो डॉग उन 12 लोगों में से एक व्यक्ति के पास जाकर रुक जाता है
और वहीं पर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि डॉग सीधा सीधा कह रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर सस्पेक्टेड है, इसी ने कुछ ना कुछ किया है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है सुल्तान। अब पुलिस सुल्तान को पकड़ लेती है और पकड़ के उससे पूछताछ करने लगती है। तो सुल्तान कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस वाले फिर उस सुल्तान से पूछते हैं कि क्या ये अंडरबियर तुम्हारा है। इधर सुल्तान मना कर देता है कि साहब ये अंडरबियर मेरा नहीं है। पुलिस सुल्तान को एक कमरे के अंदर ले जाती है और वहां जाकर उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो सचमुच में ही उसने अंडरबियर नहीं पहन रखा। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम अंडरवियर क्यों नहीं पहन रखा, ये अंडरवियर तो तुम्हारा है। सुल्तान मना कर देता है कि साहब मैं अंडरवियर पहनता ही नहीं। इधर जब सुल्तान के घर पहुंचा जाता है तो सुल्तान की घरवाली से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति क्या अंडरवियर पहनते हैं या नहीं पहनते। तो उसकी घरवाली बताती है कि हाँ मेरे पति अंडरवियर पहनते हैं और मेरे पति के जो अंडरवियर हैं वो भी उन्हें दिखाए जाते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि ब्लैक कलर के अंडरवियर वो पहनता है, उसके घर में भी एक दो अंडरवियर टके हुए हैं। अब पुलिस वाले अपनी सख्ती के साथ जो उनका रवैया होता है उसके साथ सुल्तान के साथ पूछताछ करते हैं तो सुल्तान टूट जाता है। वो एक व्यक्ति का नाम और लेता है जिसका नाम होता है छोटे लाल, और एक और उनके साथ में होता है जिसकी उम्र मात्र 12 साल होती है। दोस्तों तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ खुलासा होता है कि इसके साथ जीते जी भी दरिंदगी की गई है और इसकी मौत के बाद भी इसके साथ दरिंदगी। इसके शरीर पर 19 बार दांतों से वार किया गया है। इसके शरीर पर नुकीले पदार्थ से जो इसका प्राइवेट पार्ट है उसको बार बार कुचला गया है। सब सुनकर आम लोगों में रोष पैदा हो जाता है और सभी लोग उन दरिंदों की फांसी की मांग करने लगते हैं और कहने लगते हैं इन दरिंदों को तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। इधर मामला कोर्ट में चला जाता है और जो CO बूंदी होते हैं हेमंत कुमार नोंगिया वो इस मामले की देखरेख करते हैं। और जब मामला कोर्ट में चलता है तो पूरी अपनी ईमानदारी के साथ इस केस की तफ्तीश करते हैं और पूरा जो भी उनका रिपोर्ट का ढांचा होता है, रिपोर्ट का जो डाटा होता है उसे कोर्ट में पेश करते हैं। और जब कोर्ट में 29 अप्रैल 2022 को सुनवाई होती है तो सुनवाई में जज साहब की आंखें भी भर आती हैं। जब डॉक्टर साहब को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब हम अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद भी जो व्यक्ति होता है वो उह आह करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस बेटी के साथ में तो बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध हुआ है। इस बेटी को दांतों से 19 बार काटा गया है और इस बेटी के प्राइवेट पार्ट पर नुकीले किसी पदार्थ से बार बार वार किया गया है। दोस्तों यह सुनकर जज साहब की आंखें भी नम हो जाती हैं। इधर जो डॉक्टर साहब ये वाक्या सुना रहे होते हैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू होते हैं। दोस्तों जज साहब फिर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाते हैं और कहते हैं इन दोनों दरिंदों को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखना तब तक इनकी जान ना निकल जाए, और उसके बाद भी अगर इनको 5-7 मिनट उसके अंदर लटका कर रखा जाए तो लटका कर रखना कहीं इनमें कोई जान वापस ना आ जाए। दोस्तों जज साहब अपना फैसला सुनाकर वहां से अपनी कलम को तोड़कर आगे चल देते हैं। इधर जो वहाँ पर लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं और जो तमाम तरह की वहाँ पर मीडिया होती है, तमाम वहाँ पर बस यही कहने लगते हैं कि जज साहब ने बहुत ही उचित फैसला दिया है। ऐसा फैसला अगर हर जज साहब देने लगे तो क्राइम बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगा। इधर जो 12 साल का बच्चा होता है जिसने बहुत ही ज़्यादा क्राइम किया था, उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई थी, वो अभी नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है। उसके बाद जब वो बालिग हो जाएगा तो उसके साथ जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक 15 साल की मासूम बेटी जो भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में जाती है उसकी आप इज्जत और उसको दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों अगर उस बेटी की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो बेटी अनाथ थी और उसे इस माँ ने गोद लिया था, इसका भी पति नहीं है, ये माँ इसी के सहारे रहती थी, लेकिन आज वो बेटी भी उसके साथ से चली जाती है। अब वो माँ अकेली रह जाती है और रोते हुए वो यही कहती है कि भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक बेटी मैंने गोद ली थी उसको भी तुमने मेरे से छीन लिया। वो बेटी भी बहुत ही चंचल थी, वो सबको हंसाया करती थी लेकिन गलत बात कभी भी वो सहन नहीं कर पाती।
इसीलिए वो बेटी उनके साथ में पहले उस बेटी ने लड़ाई की है, उसके बाद उन दरिंदों ने उसको इतनी बुरी तरह से जख्म दिए और इतनी बुरी तरह से उसे मारा और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया। मरी हुई बेटी के साथ भी उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ में रेप किया। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदों के बारे, ऐसे शैतानों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे दरिंदों के बारे में? दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे इस समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।